दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एल्विस यादव मैक्सटन की पिटाई कर देते हैं। तो इस वीडियो को देखकर लोग बहुत ही सारे कमेंट कर रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा हेट वीडियो बनाने लगे हैं। कोई कोई एल्विस यादव के ऊपर हेट बना रहा है तो कोई कोई मैक्सटन के ऊपर हेट वीडियो बना रहा है। तो आखिरकार इन दोनों के बीच जो लड़ाई हुआ उसके बीच क्या राज है, तो आइए आज हम इसी के बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते हुए कोई भी लोग यह कह सकता है कि एल्विस यादव की गलती है, लेकिन जरा इस बात की गहराई पर देखें तो एल्विस यादव इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं। मैक्सटन के द्वारा एल्विस यादव के ऊपर बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट्स आए थे, वो भी ट्विटर के ऊपर, और मैक्सटन ने एल्विस यादव को बहुत ही गंदे ट्वीट किया था, उसके परिवार को लेकर धमकी भी दी थी। तो इसी बात को लेकर मैक्सटन और एल्विस यादव के बीच में कुछ बैठक हुई थी और जिसमें एल्विस यादव को मैक्सटन ने बुलाया था, और मैक्सटन यहाँ पे अपना मोबाइल का सेटअप करके और बैठा हुआ था। जैसे ही एल्विस यादव एंटर करता है और सीधे पिटाई स्टार्ट हो जाती है, ये तो हम देखे वीडियो के अनुसार, लेकिन ये बात की सच्चाई कितनी है ये तो हमें भी नहीं पता। और इस बात का खुलासा को लेकर एल्विस यादव भी अपने इंस्टाग्राम पर इस बात का खुलासा करता है कि आखिरकार क्या क्या हुआ था, और इस बात को लेकर मैक्सटन भी अपनी ओर अपना पक्ष रखता है। तो आप लोगों का क्या कहना है कि इन दोनों के बीच में कौन सही है और कौन गलत, इस बात को लेकर आपका क्या निर्णय है आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और आपको ये वीडियो देखकर और पूरी जानकारी को समझकर आपको कैसा लगता है कि एल्विस यादव सही है या फिर मैक्सटन सही है?